सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको इंटर का मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको एक चैप्टर खत्म करा दिया और ये दूसरा चैप्टर है, ये भी चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। हम आपको विविध एक्सरसाइज कराने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ सवाल नहीं आएंगे जो हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। और जो आपको आएंगे वो हम आपको छोड़ देंगे, वो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसमें जो सवाल नहीं आएंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, यदि ए बराबर वन माइनस वन माइनस वन वन तथा बी बराबर वन 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 हो तो दर्शाइए ए बी एक शून्य अंक है। ये कह रहा है अगर हम ए बी का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या घटाने पर या जोड़ने पर या घटाने पर शून्य आए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगेगा ना तो लाइक करना और जाना जाना वीडियो को शेयर करना और अपने जो भी आपके आस पड़ोस दोस्त हैं उन्हें भी बता देना कि आप जिसे बच्चे को मैथ पढ़ना है वो बेसिक टू टॉप स्टडी पे जाकर पढ़ सकते हैं, मैथ फिजिक्स इंग्लिश, ठीक है। हम आपको बेस्ट तरीके से तैयारी कराने वाले हैं। देखिए हम सवाल करा रहे हैं आपको, देखिए क्या कह रहा है, ए भी शून्य अंक है। देखिए कैसे होगा शून्य अंक, देखिए वन माइनस वन माइनस वन वन, ठीक है। आप गुणा करना जानते हो, गुणा कैसे करते हैं, देखिए आप गुणा ऐसे ही तो करते हो, देखिए वन माइनस वन, ठीक है। क्या वन का इसमें करेंगे, वन इसका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का वन प्लस का वन, ठीक है। ऐसे करोगे ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसका इसमें किया हमने, ठीक है, पहला इसमें इसका किया, फिर दूसरे इसका, फिर इसका इसका इसमें किया, प्लस हो गया, और जो इसका इसमें किया क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का वन हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस का वन हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये घटाने पर हमारा क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, हमारा शून्य अंक क्या व्यू है, तो लिख देंगे शून्य अंक, लिखोगे यहाँ पे ए बी एक शून्य अंक है, शून्य अंक अव्यू है, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। अब देखिए दूसरा करा रहे हैं हम आपको, देखिए मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लेना, देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारा, देखिए क्या दे ए बराबर वन माइनस टू, वन माइनस का है टू, तथा बी बराबर टू सिक्स वन थ्री, तो सिद्ध कीजिए क्या, देखिए ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, व्युत्क्रम प्राप्ति है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए क्या हमें इसके बराबर ये है या नहीं, कैसे करेंगे, देखिए इसे कैसे कर सकते हैं हम, ए और प्लस बी को कैसे कर सकते हो, पहले क्या करिए, इन्हें पहले जोड़ लीजिए, ठीक है। क्या करोगे, जोड़ोगे पहले, देखिए ए प्लस बी को जोड़ते हैं, पहले हम क्या जोड़ते हैं, वन माइनस टू माइनस वन टू, ठीक है, प्लस टू सिक्स वन थ्री, हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ने पर वन और टू कितना हो जाएगा थ्री, माइनस का टू है और प्लस का सिक्स है तो क्या होगा फोर, माइनस का वन है और प्लस का वन है क्या हो जाएगा जीरो, टू प्लस का है प्लस का थ्री हो जाएगा फाइव, हमारा क्या ए प्लस बी लिख रहेगा। अब देखिए हमें ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए कैसे करोगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करोगे, देखिए हमने क्या किया, ए और प्लस बी का मान क्या हमारा लिख गया थ्री जीरो फोर और फाइव, इधर लिख ले रहे हैं, अब इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस 2ab, ये सूत्र इसने बना के दे दिया, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे इसे कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, गुणा करना। देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी का मान हमने लिखा ये लिया, तो क्या करेंगे, a 3, 0, 4 और 5, ठीक है, एक बार इसे और लिख लेंगे 3 और 4, 0 और 5, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर के तरह बन गया। अब इसका गुणा कर देंगे, देखिए गुणा कर रहे हैं हम, 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है, अब 4 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 3 का 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 का 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, सॉरी इस तरह नहीं, देखिए 3 का इसमें किया तो 9 हो गया था, ठीक है, और 4 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0, ठीक है, और 3 का इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया। अब देखिए 4 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20, ठीक है। अब इसका करें, देखिए 0 को मैं 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए 0 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 का 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए इसे जोड़ रहे हैं क्या हो जाएगा, देखिए 9, 0, 9, 0 क्या हो जाएगा, देखिए 32, 25, ये लेकर आया हमारा, क्या लेकर के आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर के आया, क्या 9, 0, 32, 25 a प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर आया। अब देखिए अब इसे हम हल कर रहे हैं, क्या इसे हल करेंगे, देखिए किस तरह हल करेंगे, देखिए इसे मिटा दे रहे हैं हम, देखिए इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है, देखिए जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 9, 0, 32, 25, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मैंने निकाल लिया, अब क्या a स्क्वायर क्या है, देखिए a स्क्वायर हम क्या करते थे, a स्क्वायर को देखिए ऐसे ही तो कर लेते थे, a इंटू तभी तो हमारा a स्क्वायर होता था, देखिए आप कर रहे हैं 1 माइनस 2 माइनस का 1 2, ठीक है 2, 6, 1, 3, अब देखिए गुणा कर रहे हैं इसमें, करिए गुणा, देखिए गुणा कर रहे हैं, देखिए 1 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, अब 1 का 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और -3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है, -2 में करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और -6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, ये हमारा क्या लेकर के आ जाएगा 0, 0 सब आएगा 0, 0 और 0, ठीक है, ये हमारा क्या लेकर के आया 0, 0 लेकर के आया, देखिए ए स्क्वायर हमारा क्या लेकर के आया, देखिए इधर लिख रहे हैं ए स्क्वायर बराबर क्या लेकर के आया 0, 0 और 0, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, देखिए मान उधर लिखे दे रहे हैं, अब देखिए सबको एक साथ लिख के देखेंगे, देखो हमारा आंसर सही है यहाँ, ठीक है। अब क्या हम बी स्क्वायर और निकाल ले रहे हैं, क्या बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर क्या लिखा रहे, बी स्क्वायर लिखेंगे बी इंटू बी, ठीक है बराबर, देखिए क्या 2, 6, 1, 3, 2, 6, 1, 3, ठीक है गुणा करते हैं, देखिए 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, 2 का 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 का 6 में करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है 6 का 3 करेंगे तो 18 होगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है 1 का 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए 10, ठीक है ये क्या हो जाएगा 30, 5 और 15, ये हमने क्या निकाल लिया बी स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ पे लिख लेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या है, देखिए 10, 30, 5, 15, ठीक है ये लिखा रहा है हमारा 10, 30, 15, ठीक है। अब इसे हम मिटा रहे दे रहे हैं, देखिए हमने सारे मान निकाल लिए, ठीक है अब देखिए इसे पूरा लिखते हैं, अब देखिए प्लस 2ab और निकाल ले रहे हैं, क्या प्लस 2ab प्लस 2ab,
ठीक है, क्या लिखेंगे देखिए, प्लस टू ए बी, टू वन माइनस टू, माइनस का वन और टू, और बी क्या है, टू सिक्स वन थ्री, क्या हो जाएगा देखिए, टू माइनस का फोर, माइनस का टू और फोर, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, टू सिक्स वन थ्री। अब देखिए गुणा करते हैं इसका, टू का करेंगे टू में क्या हो जाएगा फोर, और माइनस का फोर का वन में करेंगे तो माइनस का फोर हो जाएगा, ठीक है, और ये टू का सिक्स में करेंगे तो बारह हो जाएगा, माइनस का फोर है थ्री में करेंगे तो माइनस का बारह हो जाएगा, ठीक है, माइनस का टू में करेंगे क्या हो जाएगा फोर, ये प्लस का फोर हो जाएगा, फोर का वन में करेंगे तो देखिए ठीक है, और माइनस का टू में करेंगे क्या हो जाएगा बारह और प्लस बारह, ये भी हमारा क्या आया, देखिए जो हमारा टू ए बी है क्या है, जो हमारा टू ए बी, ए बी क्या लिख रहे क्या आया देखिए, क्या लिख रहे क्या आया जीरो, देखिए चार से चार कटेगा जीरो, बारह से बारह कटेगा जीरो, चार से चार कटेगा जीरो 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 और जीरो जीरो, देखिए हमने टू ए बी लगा लिया, क्या टू ए बी लगा लिया, ठीक है टू ए बी लगा लिया हमने, ए बी लिखेंगे टू ए बी तो बोला होंगे, ठीक है, अब देखिए लिखा लिया हमने सारे, ठीक है हमने सारे लगा दी, अब देखिए मान रख रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर में प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें जो मान हमने लगा दें इसमें सूत्र में लगा देंगे, ठीक है, क्या हमारा तो ये आरएचएस हो गया था, ये आरएचएस मान के देखिए, ए स्क्वायर का मान हमने क्या लगा रहा था, ए स्क्वायर का मान क्या लेकर के आया था जीरो 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 और जीरो प्लस, और टू ए बी का मान कितना लेकर के आया था जीरो जीरो, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का मान कितना लेकर के आया था देखिए, दस तीस पंद्रह, ठीक है देखिए हमारा ये मान लेकर के आए थे, और देखिए ठीक है ये मान लेकर के आए थे, ठीक है देख ले रहे हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जीरो जीरो, ठीक है ये निकले आए थे, ठीक है भाई, ठीक है आप इसे आप हल कर लेंगे, जो भी हमने मान लगा रहे हैं वो आप इस सूत्र में लगा देंगे, सही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है आप खुद हल करेंगे इस क्वेश्चन को, हमने सारे मान निकाल दिए, आप ए बी का मान निकालना चाहो तो ए बी का मान निकाल दिया, लेकिन आप ए बी क्या करोगे, ठीक है ए बी का मान नहीं लगा के आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ए बी है टू ए बी ये मान रख दोगे, ठीक है रख दोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, और वैसे करोगे तो भी आंसर सही है, आप इसे याद करना, जो भी मानते हमने लिखा दिए, हमने एंट्री दे दी, अब देखिए आगे सवाल करा दीजिए, आपका आंसर आ गया था सही बिल्कुल, ठीक है हमने बीस बार के लगा रहा था मान, क्या बीस बार ये मान करके आएगा आपका, ठीक है आगे कर रहे हैं देखिए, देखिए आपका आगे क्वेश्चन तीसरा आप करेंगे खुद, हम आपको अब देखिए क्या नौवां क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ी हिंट कह रहे हैं आप करोगे देखिए, छवां क्वेश्चन देखिए, छवां क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर टू माइनस वन थ्री और फोर, बी बराबर फाइव टू सेवन फोर, और सी बराबर है टू फाइव थ्री एट, तो क्या कह रहा है, ऐसा आव्यूह, क्या ऐसा आव्यूह
डी ज्ञात करें, क्या डी ज्ञात करें कि सी डी, सी डी माइनस ए बी बराबर जीरो, कर सकते हो आप। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या देखा दे रखा, ए और बी और सी, लेकिन इसमें जी तो दे ही नहीं रखा है। डी को क्या करेंगे हम, देखिए डी को क्या खुद मान लेंगे, देखिए माना डी बराबर क्या मान सकते हो आप, देखिए आप डी को क्या मानोगे, देखिए आप मानोगे एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स और वाई मान लो, या इस तरह मान लीजिए वाई एक्स, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या हमें डी भी पता चल गया, अब तो आप कर सकते हो, देखिए सी डी और माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी, देखिए कैसे करेंगे, इसमें रखेंगे सूत्र में सी डी माइनस ए बी बराबर जीरो, ठीक है, देखिए रख रहे हैं सी डी हमारा क्या है, देखिए सी क्या है टू फाइव थ्री ए, ठीक है, और डी क्या है एक्स बाई फाइव एक्स, ठीक है, माइनस ए बी क्या है टू माइनस वन थ्री फोर, अब क्या करोगे देखिए फाइव टू सेवन और फोर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे आप हल करोगे, देखिए कैसे, पहले इसका इसमें गुणा कर लोगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लोगे और फिर इसमें से आप घटा दोगे, ठीक है, देखिए कैसे करोगे, देखिए इधर कर रहे हैं गुणा, देखिए टू का एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स, ठीक है, अब फाइव का वाई में क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा प्लस का फाइव बाई, क्या फाइव बाई हो गया, ठीक है, अब देखिए टू का इसमें करेंगे क्या हो जाएगा हमारा टू वाई, ठीक है, और फाइव का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का फाइव एक्स, ठीक है, अब थ्री का एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा थ्री एक्स, और क्या ये एट है हमारा, जब एट का बाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का एट बाई, ठीक है, अब देखिए थ्री का बाइन करेंगे क्या आ जाएगा थ्री वाई प्लस एट एक्स, ठीक है, एक तो ये अलग हो गया, अब क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, अब इसकी देखिए दो का जब हम पांच में कूड़ा करेंगे क्या हो जाएगा दस, माइनस का वन का सात में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का सात, थ्री का या तो पहले ऐसे करिए, देखिए टू का टू में करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर, और माइनस वन है फोर में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का फोर, ठीक है, अब देखिए थ्री का फाइव में करेंगे तो क्या हो जाएगा पंद्रह प्लस का, और फोर का जब हम सेवन में करेंगे क्या हो जाएगा अट्ठाईस, ठीक है, थ्री का टू में करेंगे सिक्स हो जाएगा, फोर का फोर में करेंगे तो सोलह हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, देखिए ऊपर करे दे रहे हैं, देखिए यहां करे दे रहे हैं, जोड़िए 2x प्लस 5 बाई क्या हो जाएगा माइनस का या प्लस का, माइनस का या तो अब ऐसे ऐसे ही रखती है, ठीक है, प्लस फाइव थ्री एक्स प्लस एट वाई, थ्री वाई प्लस एट एक्स माइनस, जब इसे घटाएंगे क्या हो जाएगा थ्री, जब पंद्रह को अट्ठाईस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए पंद्रह अट्ठाईस जोड़ दें चालीस, ठीक है, और जीरो ये क्या हो जाएगा देखिए बाईस, ठीक है, अब इसे मिटा दे रहे हैं,
देखिए टू एक्स प्लस फाइव वाई ठीक है माइनस का थ्री, टू एक्स प्लस फाइव वाई सॉरी फाइव एक्स क्या हो जाएगा माइनस का जीरो ठीक है, थ्री एक्स प्लस एट वाई ठीक है क्या हो जाएगा माइनस का तैतालीस ठीक है, और थ्री वाई प्लस एट एक्स माइनस का बत्तीस ठीक है। अब देखिए हो गया ये कर लिया हमने, अब देखिए बराबर में जीरो चल रहा था हमारा ठीक है, क्या हम बराबर में जीरो चला रहे थे ठीक है। अब देखिए एक समीकरण तो ये बन गया, चार समीकरण बन गए, आप चार समीकरण को कर लेंगे, देखिए ऐसे करेंगे टू एक्स प्लस फाइव बाई माइनस का थ्री बराबर जीरो, ये हो गया हमारा फर्स्ट ठीक है, टू एक्स प्लस फाइव बाई फाइव एक्स सॉरी फाइव बाई यहाँ ठीक है एक्स ठीक है एक्स ठीक है क्या माइनस का जीरो बराबर जीरो, समीकरण सेकंड ठीक है। अब देखिए थ्री एक्स प्लस एट वाई माइनस का तैतालीस बराबर जीरो, समीकरण थर्ड, और थ्री वाई प्लस एट एक्स माइनस का 32 बराबर जीरो फोर, आप इनके जो भी मान निकालेंगे ठीक है जीरो आएगा, आप कर लेना ठीक है, इसे हल हमारा जीरो ही आएगा, इधर आंसर लिखे दे रहे हैं देखिए, इसे हल करने पर जीरो जीरो ठीक है, आप इन समीकरण को भी हल कर लेना। अब देखिए हम आगे करा रहे हैं, आपको हिंट दे दिए हमने, देखिए क्या एक्स का मान लिख रहे आएगा और वाई का ठीक है, एक्स और वाई एक्स वाई का इमान करेंगे ठीक है, देखिए हम मिटा देने से देखिए आपको 15 तक आपको क्वेश्चन करना, उसके बाद अधिलोगी उत्तरी प्रश्न हम कराएंगे ठीक है, 15 तक क्वेश्चन आपको करने, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, प्लस जोड़ना घटाना और गुणा तो इसमें एक भी नहीं है, सिर्फ जोड़ना और घटाना है ठीक है, आप जोड़ सकते हो घटा भी सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना, जय हिंद जय भारत।